तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा डिजिटल चार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा है, ब्लैंक कॉलम है, उसमें मुझे परसेंटेज उसका निकालना है। मैंने उसको निकालने के बाद यहाँ पे शेप में चले जाइए। यहाँ से राउंड शेप लेने के बाद उसमें इफेक्ट दे देने के बाद हम लोग डेटा सिलेक्ट करने लेंगे। वहाँ से आप यहाँ पे चार्ट में जाइए। फर्स्ट मुझे ऑरेंज कलर का जो है उसको हाइट करना है, तो वहाँ पे नो फिल कलर और नो बैकग्राउंड कर दीजिए। सेकंड कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर वहाँ पे अच्छा लगे वो कलर इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये देने के बाद जो सर्कल आपने पहले ऑलरेडी शेप से ले चुके हो उसको अच्छे से मिडल में सेट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले उसको थोड़ा सा सेंटर में सेट कर देती हूँ। उसके बाद अगेन आपको एक शेप में जाने के बाद राउंड शेप लेना है और उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग परसेंटेज डालने वाले हैं इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज सेट करने के बाद जैसे ही मैं परसेंटेज में चेंजेस करूँगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।